गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज ब्लॉग पर मस्ती। कैसे हैं आप सब लोग? हाय, आज इस साल की सर्दी की पहली बारिश हुई है। गीला गीला है, चारों तरफ पानी भरा है हमारे घर के बाहर, तो इसका मतलब ये है कि रात भर काफ़ी अच्छे से बारिश आई है। और इस वक्त तो ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन टेम्परेचर ठीक ठीक सा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। और हाइटों में स्नोफॉल आ रहा होगा, क्योंकि पहाड़ियाँ तो पूरी धुंध से और बादल से ढकी हुई हैं। हर्षित जा चुका है स्कूल, मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। मज़ेदार मौसम है आज, अच्छा भी है बुरा भी है। ऐसे मौसम में जो छुट्टी करके घर पर जाए के अंदर सोने का मन करता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हर्षित तो चला गया, मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर में। और सुबह के 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले मिल्क ले आते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या क्या करेंगे दिन भर। ये देखिए बादलों के बीच में से कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे धूप, थोड़ी थोड़ी धूप आई है, बाकी तो चारों तरफ पैक है मौसम आज भी। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे, कुछ स्कूल जाने वाले हैं उस तरफ के लिए, कुछ ये वाले स्कूल के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल 2-3 है ना। ये देखो यहाँ भी पानी भरा है, इसका मतलब अच्छी खासी बारिश आई है। तो चलो फिर सबसे पहले मिल्क ले आते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। तो जी दूध लाके मैं चल पड़ी हूँ घर की तरफ। मौसम अच्छा सा लग रहा है, अभी धूप सी निकल रही है, देखिए इस तरफ से बादलों के बीच में से धूप है। और पहाड़ों पे जो ना फ्रेश फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, जिससे कि ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिकॉन्पियो में तो भाई कितना स्नोफॉल हुआ होगा, क्या हाल होंगे हमारे हस्बैंड जी के, ठंड से कितने बुरे हाल होंगे। तो अभी चलते हैं सबसे पहले घर। घर की अगर मैं दशा आपको बताऊँ, ना तो लाइट है ना पानी है। लाइट आएगी तो ही हम पानी को लिफ्ट कर पाएंगे अपनी टंकी के लिए, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। सुबह सुबह जब मैंने नलका खोला ना तो पानी नहीं आ रहा था। ओहो, अब देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो जी जैसे ही घर में पहुंची वैसे लाइट भी आ गई थी, और पानी के लिए मैंने मोटर ऑन कर दी है, दूध उधर लगा दिया है बॉयल करने के लिए। जब तक दूध बॉयल होता है तब तक थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ हल्का हल्का। और मन तो मेरा पूरे घर को क्लीन करने का था, पोछा लगाने का, लेकिन सूखेगा नहीं तो ठंड ज़्यादा लग सकती है। और कपड़े भी वॉश करने के लिए हैं काफ़ी सारे, बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, तो ये सब तो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी स्कूल के लिए मैं लेट हो रही हूँ, और ये सब करने बैठगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा मेरा। तो सबसे पहले कर देते हैं ये वाले बेडशीट, और बाहर वाले रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। उस वाले रूम की तो पता नहीं मैंने कितनी सदियों से बिछा रखी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे आके बैठते ना ट्यूशन वाले, तो वो इरेज कर करके कुछ ना कुछ गिराते ही रहते, इसलिए मैं उसको ज़्यादा छेड़ती नहीं, उसको ऐसे चलने देती हूँ। लेकिन आज मेरा मन है कि मैं उसको भी चेंज करूँ। और टाइम की बात कर देखो, उधर 9:30 हो चुकी है, 10 बजे मुझे भी जाना है। तो सबसे पहले फटाफट से ये वाली बेडशीट चेंज कर देती हूँ, वो वाली मैं आने के बाद चेंज करूँगी। कपड़े तो अभी पता नहीं धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे, शाम के टाइम ही धो पाऊँगी मैं कपड़े। तो जी बेडशीट तो मैंने भिजा दी है, रजाई मैंने वैसे ही रख दी फिलहाल के लिए, क्योंकि शाम को आऊँगी ना दिन के टाइम आके इसमें घुसने, और लाइट नहीं है, मेरे को राजमा भी बॉयल करने थे, बहुत सारा काम है और टाइम कम है। तो चलिए फिर फटाफट लग जाती हूँ। तो जी मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल के लिए, फटाफट से राजमा भी मैंने बॉईल कर दी। ये वाली बेडशीट तो मैंने चेंज की, बाहर वाले रूम की मैंने बेडशीट चेंज नहीं की, उसे करूँगी मैं स्कूल से आने के बाद। ये देखिए वो मैं एज इट इज़ रखी है मैंने, इसको आने के बाद करूँगी। कुशन भी आजकल मैं पूरे नहीं लगाती, क्योंकि बच्चे बैठते ना इधर तो वो फेंकते रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, तो बेड पर थोड़ा सा कंजस्टेड भी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक सर्दियां हैं तब तक मुझे उनको वहीं बिठाना पड़ेगा। और मुझे ना आने के बाद सबसे पहले हीटर ठीक करवाने जाना पड़ेगा, बच्चों को फिर सर्दी लग जाएगी, मेरे को भी बाहर बैठ के सर्दी लग जाएगी, नहीं तो मुझे अंदर वाला हीटर बाहर ले जाना पड़ेगा, तो ये तो झंझट वाला काम है। अगर मैं आपको ब्रेकफास्ट की बात बताऊँ तो ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ दूध पिया है, वो भी थोड़ा सा कॉफ़ी मिला के फ्लेवर चेंज करने के लिए। इधर मैंने राजमा भी बॉयल करके रखे हैं, बाकी के सारे काम करूँगी मैं आने के बाद। तो सबसे पहले जाते हैं स्कूल। एक्चुअली मेरे पास स्कूल का जो है पर्दा भी है एक, जो कि मैंने स्टिच करने के लिए लाया था, कर्टन फ्रंट डोर में लगाएंगे। तो अभी तो चलती हूँ मैं स्कूल, आने के बाद फिर। तो जी पहुँच चुकी हूँ मैं घर, और मैं रुकी थी थोड़ी देर ज्योति के घर पे, चाय वाय पी फिर आई घर। जब तक मैं घर से बाहर निकली इतनी भयंकर बारिश हो रही है बाहर। अब सबसे पहले बना देती हूँ खाना, राजमा बनाती हूँ और फिर राइस बनाती हूँ जितने में हर्षित आएगा। और मुझे जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए गाड़ी से, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में तो बच्चे खुद से नहीं आ सकते। तो सबसे पहले खाना बना लेती हूँ ज़रा फटाफट से, उसके बाद जाऊँगी हर्षित को लेने। तो इधर मैंने बना दी है राजमा, राजमा की दाल तो बन के हो चुकी है तैयार। इसमें डालने के लिए बस हरा धनिया भी नहीं है आजकल, बताओ
बिना हरा धनिया के कितना बेकार लग रही है ये। तो इसको तो ढक के रख देते हैं। तो जी दाल तो मैंने बना दी है, राइस बनाऊंगी मैं आने के बाद। अब देखती हूँ पैदल जाती हूँ या फिर गाड़ी से जाती हूँ। मौसम की हालचाल देखते हैं ज़रा बाहर चले। बारिश तो झमाझम हो रही है, क्या किया जाए। गाड़ी से जाने लायक है या फिर पैदल जाने लायक है, चलो गाड़ी से ही जाते हैं, देखते हैं ज़रा। तो जी आज का मौसम है एकदम ख़राब और बारिश चल रही है अभी भी। वहाँ देखो ज़रा पेरेंट्स लोग किस तरह, ये देखिए लाइन लगी है, छाता लेके चले हैं सब लोग। तो चलिए फिर मैं भी चलती हूँ, पहले तो एक घंटा लगता है इसको स्टार्ट करने में ही। कोशिश करते हैं ज़रा गाड़ी को स्टार्ट करने की। तो चलो जी मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में। आज तो एक ही सेल्फ में स्टार्ट भी हो गई। एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ आज ठंड थोड़ी सी कम है बारिश की वजह से। और बाहर मैं आपको बताऊँ, रोड पे ना लाइन लगी है, सभी पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। क्लास टाइमिंग जो है 3 बजे की होती है स्कूल ऑफ होने की। तो मैं भी जाती हूँ, लेकर आती हूँ हर्षित को, वो मेरा वेट कर रहा होगा पक्का। और वो तो ऐसा बच्चा है कि आएगा नहीं तब तक वापस, और आएगा तो इतना लड़ाई करेगा मेरे साथ। इससे खोलो इसको खींचो। हाँ जोर से खींचो, भेजो इधर से उतर जाओ, अपने देखना गाड़ी ना आए। बाय अमन, आएगा ट्यूशन आज, देखना गाड़ी आ रही है, आएगा बच्चा ट्यूशन। ठीक है ओके बाय। बस कोई नहीं, चलते उसको ले आती हूँ हर्षित को ना। ठीक है ओके बाय। तो चलो जी मेरे साथ अमन और अमन की मम्मी आई थी, अब चलती हूँ स्कूल। जैसे ही मैं घर से निकली गाड़ी लेकर, वैसे मुझे अमन और अमन की मम्मा मिल गए, तो उनको मैंने लिफ्ट दी स्कूल तक, मतलब जहाँ इधर ही रहते हैं वो, जो स्कूल वाला जो गेट है ना उसके साथ में ही रहते हैं। तो खाली तो आ ही रही थी, मैं कहा चलो उनको बिठा देती हूँ साथ में। और रास्ते में वो कह रहे थे कि कीचड़ वाला रास्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डंपिंग साइट वाला एरिया है वहाँ पर बारिश आने की वजह बहुत ज़्यादा कीचड़ बन गया है। तो हर्षित का तो वैसे भी आना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ से कपड़े गंदे कर देते या फिर गिर जाते। एक बार पहले भी वो बहुत बुरे तरीके से गिर था और उसके सारे कपड़े हो गए थे गंदे। तो चलो मैं यहाँ वेट करती हूँ थोड़ी देर, और बाहर देखिए आप स्कूल का कितना खूबसूरत सा माहौल है। ये देखिए, ये है स्कूल का खूबसूरत खुशनुमा सा माहौल। चारों तरफ जो है गाड़ियाँ लगी हैं, और पेरेंट्स सभी आते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। और इधर बसें खड़ी हैं, ये देखिए सबसे आगे जो है बसेज खड़ी रहती हैं स्कूल की, आगे जाने नहीं देते तब तक जब तक ये बसेज नहीं जाएंगी। प्राइवेट व्हीकल जो है पीछे ही खड़े करने पड़ते हैं। तो चलिए हर्षित का थोड़ी देर बैठ के वेट करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं थोड़ी देर। मैं आपका वेट करते करते भीग गई, गाड़ी लेके आई हूँ। ओ भाई सीट भीग गई मेरी, शीशा खुला रह गया। ओहो, तो जी फाइनली हर्षित मिल चुका है, ये रहा। इसके इंतजार में मैं पूरी भीग गई और मेरी सीट भी भीग गई, पता है शीशा खुला रह गया। अब बारिश स्टार्ट हो गई तेज, पहले कम कम हो रही थी अब तेज तेज हो गई। पीछे रखो बैग को, निकलते हैं आप सीधा, लो पकड़ो। क्या हो गया? क्या था मैथ का बताओ। क्विज कंपटीशन था कल परसों और आज था साइंस का। आप देख रहे हैं ना, आते ही सीधा लग जाता खाने पीने के सामान को टच करने। तो जी इतनी भयंकर बारिश हो रही है, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी जाते वक्त भी और आते वक्त भी, थोड़ी देर इसका वेट करती रही। भेड़ बकरी एक जैसे देखते सारे के सारे बच्चे, मैं चश्मिश को ढूंढ रही थी।
अर्षित चश्मिश को ढूंढ रही थी, जैसे मुझे अर्षित आता दिखा थोड़ी राहत मिली मुझे। तो आप सबसे पहले खाना वाना खाओ। और इधर बैठी है प्यारी सी एक और मेरी प्यारी सी बिटिया रानी, जिसका नाम है जन्नत। आज मैं इनको अंदर वाले रूम में बैठाऊंगी, बाहर वाले रूम का जो है ना हीटर, वरदान नहीं आया बेटा, पता नहीं कहाँ रह गया वो वरदान बेचारा, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो यहाँ बैठ के बैठाऊंगी, पढ़ाऊंगी सॉरी जन्नत को भी। और पीछे हर्षित का और मेरे दोनों के कोट लटके, इनको करना इग्नोर, ये भीग चुके हैं क्योंकि बुरी तरह से, तो इनको ऐसे सूखने देंगे। यस बेबी, 7 बज गए, पता ही नहीं चला टाइम का। तो जी 7:45 का टाइम हो रहा है और हम पी रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म सूप। पहले हर्षित को लेकर आए, उसके बाद राजमा राइस बनाए, उतने में जन्नत आ गई थी और जन्नत को पढ़ाते पढ़ाते कब अमन आ गया पता ही नहीं चला टाइम का। और लाइट ने ऐसा धोखा दिया, बीच में कभी लाइट आती है कभी जाती है। और मैंने इनको आज अंदर वाले रूम में बिठा रखा था क्योंकि बाहर वाले रूम का जो मेरा हीटर है उसकी जो रॉड है ना वो ख़राब हो गई है, कुछ मतलब आवाज़ ही कर रही है। तो मुझे तो लगता है डर इलेक्ट्रिक चीज़ों से क्योंकि करंट करंट लगता है और आवाज़ें करते बहुत अजीब अजीब सी। तो अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं, मेरा काफ़ी समय हो गया, जरना तो काफ़ी देर तक हर्षित के साथ खेलती रही और अमन तो चला गया था जैसे कैसे ही, बेचारा अंधेरा हो रहा था और बाहर कीचड़ कीचड़ भरा है चारों तरफ, वो भी चला गया था घर। तो थोड़ी देर तो हम वैसे ही लेटे रहे रजाई के अंदर, गर्म गर्म रजाई के अंदर। फिर उठी, फिर क्या किया मैंने, पूजा पाठ करी है और साथ में हर्षित ने डिमांड करी टोमेटो सूप की, ये देखिए गर्मा गर्म टोमेटो सूप पियेंगे हम। तो आज तो है फ्राइडे और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, अभी भी बाहर हल्की हल्की बारिश ही चल रही है, रात भर पता नहीं कैसी बारिश चलेगी, सुबह के लिए मौसम कैसा होगा, पहाड़ों पे तो बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। और कल जो है लास्ट दिन है इस साल का, आखिरी दिन है यानी 31 दिसंबर है, और कल जो है ज़्यादातर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी करते हैं। और हर्षित तो कर रहा है मना, कल स्कूल नहीं जाएगा, इनके सारे फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बना रखा कि कल स्कूल नहीं जाएंगे, हो सकता है इनका कुछ पार्टी शार्टी हो, गॉड नोज। और स्कूल में तो जाऊँगी, स्कूल आज भी स्कूल में 2 ही बच्चे आए थे, तो दो बच्चे आए थे और हमने आज जल्दी स्कूल ऑफ कर दिया था, आज हमने 12 बजे छुट्टी कर दी थी। 2 ही बच्चे, पहले एक ही आया था, दूसरा बच्चा थोड़ा सा लेट आया तो हमने जल्दी उनके पेरेंट्स को बुला लिया था क्योंकि बारिश वाले मौसम में पेरेंट्स भेजते नहीं है बच्चों को। हो सकता कल भी बहुत से बच्चे ना आए क्योंकि एक तो सैटरडे है, फिर साल का आखिरी दिन है, बहुत से पेरेंट्स जो है सैटरडे को घर भाग जाते हैं, इस चक्कर में भी नहीं आते हैं, कुछ लोग तो वैसे ही मौसम की वजह से भी बच्चों को भेजते नहीं है। तो चलिए आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया है, बहुत ही मज़ा आया, पता ही नहीं चला दिन का कैसे निकल गया। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बेबीज व्लॉग फन एंड मस्ती, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचाव रखिएगा।